इसी नाते शिवपाल जी कहते हैं कि अखिलेश जी अभी अपरिपक्व नेता हैं, सिर्फ बयान ट्विटर पे देना ये भी तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पार्टी थी ना, उस नेता की बात करते हैं जो अपने बाप का ना हो अपने चाचा का ना हो, वो हमारा तौर हो ही कहा। ओम प्रकाश राजभर जो अक्सर ही अपने बयानों के लिए और इसके साथ ही विरोधियों पर अपने हमले के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की दावत ऐसी है कि हर दिन एक दूसरे पर कोई न कोई वार पलटवार होता रहता है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर भड़के। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें जातिगत जनगणना की याद क्यों नहीं आई। इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आप भी सुनिए अखिलेश यादव पर किस कदर हमलावर नजर आए ओम प्रकाश राजभर। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। सीख ले बगल के प्रदेश है बिहार, मुख्यमंत्री तो काल में बजट अलॉट कर दिया, आदेश कर दिया जनगणना का। इसी नाते शिवपाल जी कहते हैं कि अखिलेश जी अभी अपरिपक्व नेता हैं, सिर्फ बयान ट्विटर पे देना ये भी तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पार्टी थी ना, बहुजन समाज पार्टी समर्थन में, केंद्र में रक्षा मंत्री थे नेताजी। उस समय इन लोगों ने जो कमी आज नजर आ रही है, जो क्रिटिसाइज हो रही है, तो उस समय इन लोगों को लागू करना चाहिए था, इन लोगों ने तो किया नहीं। अब देखिए अब विरोधी पार्टी के लोगों का विरोध है कहता है ना, मुख्यमंत्री कौन था अखिलेश यादव जी, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, आज भी उठा के देखिए 27% आरक्षण का लाभ, 4 बार सरकार रही सपा की, अखिलेश जी 5 बार 5 साल मुख्यमंत्री थे, क्या नाई गोण पाल प्रजापति बिंद किवट मल्ला राजभर चौहान आर्य करकवंशी बंजारा बहेलिया खंगार चूल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर से सैयद पठान किसी को दिए कहा। भैया हम तो 20 साल से चिल्लाते हैं, जो हम चिल्लाते हैं हमारी पार्टी जातिवाद जनगणना के लिए पक्षधर है, आपने सुना नहीं विधानसभा के अंदर अभी सदन चल रहा था तब भी हम ललकारे। अच्छा हम पीछे नहीं हटते हैं। मंत्रिमंडल में जगह पक्की हो रही है आपकी। हमें तो खुशी इस बात की है कि पूरे देश के पत्रकार भाइयों को चिंता बढ़ गई है, आपके भावना की कदर की जाएगी, जल्दी की जाएगी। आप हम यूपी में हैं, हम यूपी में हैं, आप बताइए ईमानदारी से केसीआर जी कई वोट दिलाएंगे यूपी में, ममता जी आगे कई वोट दिलाएंगे, आकर के लालू जी कई वोट दिलाएंगे, एक नेता का नाम बताइए एनडीए में जो हो, क्या वजूद है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, 2 MLA उनके हैं, 6 MLA हमारे हैं, तुलना करिए। उस नेता की बात करते हैं जो अपने बाप का ना हो अपने चाचा का ना हो, वो हमारा तौर हो ही कहा। तो साफ है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हैं और इस बार मुद्दा जातिगत जनगणना है। देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव तक कितने और हमले ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव पर हमें देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।